नमस्कार पापा मम्मी किचन में आज हम चाय के साथ खाने के लिए स्प्रेड केक बना करके तैयार करेंगे। यदि आपको चाय के साथ बिस्किट खाना पसंद है तो ये केक आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये केक हल्का सा मीठा होता है, बाहर से अच्छा क्रिस्पी होता है, अंदर से थोड़ा सा पोला बन के तैयार होता है, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसकी सभी सामग्री घर के अंदर आसानी से मिल जाती है और ये झटपट और आसानी से बन करके तैयार हो जाता है। तो इसके लिए हमने 1/2 कप शक्कर के अंदर 3 इलायची डाल करके पीस लिया है। ये हमने इलायची के दाने डाल के पीसे हैं, आप चाहे तो पूरी इलायची भी छिलके के साथ डाल करके पीस सकते हैं। अभी इसको हम साइड में रख देते हैं और एक डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, जो वजन में लगभग 150 ग्राम मैदा है। आप चाहे तो इसे आटे से बनाकर तैयार कर सकते हैं, पर ये रेसिपी मैंने केरला जब घूमने गई थी उस समय मैंने एक स्टॉल वाले से सीखी थी, जहाँ पर चाय के साथ में उसने इस तरह का स्प्लिट केक हमारे को सर्व किया था। उसने कहा था कि ये हम मैदे से ही बनाकर तैयार करते हैं। उस समय से मैं हमेशा मैदे से ही बना करके तैयार करती हूँ। मैदे से बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होता है। अभी इसमें 1 टेबल स्पून जितना सूजी डाल देते हैं। सूजी का क्रंची टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। अब जो शुगर हमने पीस के रखी है वो शुगर को इसमें मिक्स कर लेते हैं और इसमें अच्छा कलर आए इसके लिए उसने बताया था कि हम लोग फूड कलर इस्तेमाल करते हैं। फूड कलर से बहुत अच्छा कलर आता है, इसीलिए मैं इसमें फूड कलर डाल रही हूँ। यदि आप फूड कलर नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पर हल्दी भी डाल सकते हैं, वो आपकी पसंद पर निर्भर करता है। यदि आप कुछ भी नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डाला, आप सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें 1 टेबल स्पून जितना घी डाल देते हैं। अभी इसमें 1 पिंच जितना नमक डाल देते हैं, ज़्यादा नमक नहीं डालना, 1 पिंच जितना ही डालना है, और 1/2 छोटा चम्मच इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल देते हैं। यदि आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो 1/4 छोटा चम्मच मीठा सोडा डाल सकते हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने दूध लिया है, दूध से आटा गूंद के तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसका आटा गूंद के तैयार करेंगे। दूध डालते ही देख पा रहे हैं आपके हल्का सा कलर दिखने लग गया है इसमें, इसका कलर आप देख पा रहे हैं हल्दी के जैसे ही काफ़ी मिलता जुलता कलर आया है इसमें। इसमें बहुत ज़्यादा दूध वगैरह नहीं लगता है, लगभग 2 टेबल स्पून जितना दूध लगा होगा इसमें। ये हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। इस तरह का डो बनाकर आपको तैयार करना है। इसे कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, जब तक सूजी है पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और काफ़ी अच्छी फूल के तैयार हो जाएगी। जब तक डो रेस्ट कर रहा है तब तक चाय का मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करके बताते हैं आंटी हमें चाय का मसाला बनाना बताएं। तो मैं आपको परफेक्ट चाय का मसाला नाप के साथ में बताती हूँ, जैसा कि मेरे घर में मैं बना करके तैयार करती हूँ, और हमारे घर में जो भी आते हैं उनको ये मसाले वाली चाय पीना बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसके लिए मैंने 100 ग्राम अदरक का पाउडर लिया है। ये मैं अदरक को सुखा दिया था, दरदरा पीसा हुआ। देखिए अदरक का मौसम होता है उस समय आप अदरक को साफ धो करके छील के फिर उसको काट के चिप्स की तरह काट के आप सुखा दें उसको, 2 से 3 दिन में सूख के तैयार हो जाता है। तो उस समय आप इस तरह से पीस करके रख दें, पूरा साल आप इसे यूज कर सकते हैं। इसको हम इसमें डाल देते हैं। ये वजन में 100 ग्राम है, चम्मच में नापे तो ये 10 टेबल स्पून है। यदि आपके पास मेजरिंग कप वगैरह नहीं है तो आप अपने घर में कोई भी चम्मच को सेट कर लें। जैसे इस चम्मच के नाप से आप 10 स्पून अदरक का पाउडर लेते हैं तो सभी चीज़ें आपको उसी नाप से लेनी है। तो मैं ये सभी चीज़ें उसी नाप से आपको बता रही हूँ। तो ये मैंने 10 टेबल स्पून अदरक का पाउडर लिया है। इसी के साथ ये मैंने 5 टेबल स्पून काली मिर्ची ली है। वजन में नापे तो ये 50 ग्राम काली मिर्ची है। ये मैंने हरी इलायची ली है, ये 4 टेबल स्पून हरी इलायची है। वजन से नापे तो ये 25 ग्राम हरी इलायची है। और ये जो नाप हमने लिया है उसके लिए हमारे को 8 से 10 लौंग लेना है। इंग्लिश में इसे क्लोव बोलते हैं। लौंग इसके अंदर इसे ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो लौंग की बहुत तेज़ खुशबू आती है। और ये मैंने दालचीनी के थोड़े टुकड़े लिए हैं। यदि आप बड़ी दालचीनी लेते हैं तो लगभग आपको 1-1 इंच के 2 टुकड़े लेने हैं। ये पतले पतले टुकड़े थे मेरे पास, इसलिए मैंने छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं। इसमें दालचीनी की खुशबू बहुत अच्छी आती है। अभी मैं बता दी, यदि आपको बारिश के मौसम में ये मसाला बनाते हैं या सर्दी के मौसम में बनाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा आप केसर डाल सकते हैं। तो अभी क्या बारिश का मौसम चल रहा है इसलिए मैं केसर डाल के बना रही हूँ। तो थोड़ा सा 1 पिंच जितना आप इसमें केसर डालते हैं, इसका फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। केसर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आपके पास हो तो आप डालें और आप पसंद करें तो डालें, पर ये बारिश के मौसम के लिए और सर्दी के मौसम के लिए केसर डाल के बनाते हैं तो चाय बहुत ही अच्छी लगती है। इन सभी को अभी हम पीस लेते हैं।
देखिए बहुत ही अच्छा पाउडर बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस चाय के मसाले की। आप एक बार घर में बनाएंगे तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें मुझे बताएंगे कि चाय का मसाला बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। ये नाप एकदम से परफेक्ट नाप है, आप चाहे तो इसको छान भी सकते हैं। अच्छा माइंड पीस जाता है तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़े बहुत रेसे इसमें रह भी जाते हैं तो यदि जिस समय हम चाय बनाते हैं उस समय तो छान के ही पीते हैं तो वो कचरा होता है वो निकल जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इस चाय के मसाले को किस तरह से यूज करें, तो एक कप चाय जब भी बनाते हैं तो उसमें एक पिंच जितना इतना मसाला डालना है बस, इससे आपकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी। इस रेशियो का आप पक्का ध्यान रखें बस। यदि आप चार कप चाय बना रहे हैं तो चार पिंच डालना है, चार पिंच मीन्स क्वार्टर चम्मच, जो छोटा चम्मच होता है वो लेना है हमारे को। ये रेशियो आपने देख लिया, चाय का मसाला बनाने का रेशियो भी बहुत ही आसान है और चाय बनाते समय ये चाय का मसाला डालने का रेशियो भी बहुत ही आसान है। अभी इसको हम लिक टाइट डब्बे में भर करके रख देंगे। बहुत ज़्यादा आप बना करके नहीं रखें, उतना ही बनाए, महीना दो महीना में आपके ख़त्म हो जाए। मैंने ये मसाला ज़्यादा इसलिए बनाया कि मैंने अपने बच्चों को बोला था कि आज मैं चाय के मसाले की रिकॉर्डिंग करने वाली हूँ, तो बच्चों ने बोला हमारे लिए भी आप बना देना, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा मसाला बनाया। तो आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा बना के रख सकते हैं। जब तक हमने चाय का मसाला बनाया तब तक ये हमारा दूध रेस्ट करके तैयार हो गया है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देते हैं और एक बार वापस इसको भून लेते हैं। इस तरह से दूध को ज़्यादा गीला नहीं बनाया आप कभी भी। अभी इसके दो टुकड़े कर लेते हैं, इस तरह से लुई बना लें आप। इसको साइड में रख देते हैं। अभी इसको इस तरह से गोल गोल बना लेते हैं। देखिए अच्छा स्मूथ बन गया ये, वो जब परफेक्ट बनाएंगे आप तो ये बहुत ही स्मूथ बन के तैयार होगा। जी अभी इस तरह कर लेते हैं, इसको हल्का सा दबा देते हैं, यहाँ से हल्का सा थोड़ा दबा देते हैं। देखिए दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। साइड से थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं इसके, और इसको इस तरह से काट लेंगे। अभी इसको बीच में से स्प्लिट कर देते हैं, हल्का सा ऐसे काट देते हैं इसको, पूरा अंदर तक नहीं काटना, हल्का सा कट करना है, हल्का सा कट लगाना है बस। इसे फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छे खुल जाता है। एक मैं आपको और दिखाती हूँ, इस तरह का केक आप देख पा रहे हैं, बनाना बहुत ही आसान है, आराम से आप फटाफट बना करके तैयार कर सकते हैं। दिखने में देखिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इस तरह से हमने सभी बना करके तैयार कर लिए हैं। अभी इसको हम फ्राई कर लेते हैं। साइड में हमारा तेल हल्का गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा तेज आँच में इसे नहीं डालें, एक एक करके इसे डाल देंगे और बहुत धीरे आँच में हमें इसे फ्राई करके तैयार करना है। ज़्यादा तेज आँच में डालेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप देख पा रहे हैं इसके बबल्स कितने छोटे छोटे उठ रहे हैं, इस तरह से बहुत छोटे छोटे बबल्स उठने चाहिए और एक साथ में बहुत सारा भी नहीं डालेंगे। इसमें फ्राई करने के समय बस यही ध्यान रखना है कि आँच को आप कभी भी स्लो और मीडियम के बीच में रखें, तेज आँच में फ्राई नहीं करें। तेज आँच में बाहर से तो पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे तो फिर वो खाने में स्वादिष्ट नहीं लगेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं और चाय के साथ खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। जैसे जैसे ये पकने लग जाएंगे अपने आप हल्के होके ऊपर आने लग जाते हैं, देखिए धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं। अभी इनका हल्का गोल्डन कलर आ गया है, आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे फ्राई हो गए हैं। केक का इस तरह का कलर आ जाता है बहुत ही अच्छे लगते हैं। बाहर निकलने के बाद भी ये थोड़े पकते रहते हैं क्योंकि बहुत गर्म होते हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। केरला में जैसे मैंने खाए थे वैसे ही एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि बिस्किट को आप कभी भी लिक टाइट डब्बे में भर के रखें, नहीं तो बारिश के मौसम में जल्दी सिल जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इसमें हम बेकिंग पाउडर का रेशियो परफेक्ट रखा है, इसीलिए ये दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यदि आप ज़्यादा रख देंगे तो फटे फटे बन के तैयार होंगे, जो दिखने में अच्छा नहीं लगते हैं, जो खाने में भी इतने स्वादिष्ट नहीं लगते हैं। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है और बहुत ही पोला बन के तैयार हुआ है। तो इस बरसात में गर्मा गर्म चाय के साथ में
आप इस तरह के बिस्किट जरूर बना के रखें। तो आपको रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।